हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप इसके पहले कभी भी ऐसा रेसिपी ट्राई नहीं किया होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे वीडियो को वॉच करें, हमें सपोर्ट करें। तो मैं ले ली हूँ कच्चा आम, और कच्चा आम को अच्छे से पहले छील ले रही हूँ इसका छिलका। और आम थोड़ा सा देखने में आपको लाल टाइप का लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये एकदम खट्टा है, काफ़ी खट्टा आम है। तो अभी आम मिल रहा है इस सीजन में कच्चा आम, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो छील ली हूँ, अब मैं इसे काट लूँगी बारीक बारीक। इसके अंदर में जो गुठली है उसे अलग कर लूँगी। तो देखिए लग रहा है लाल जैसा, लेकिन ये काफ़ी खट्टा आम है। अब मैं इसे ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकस कर लूँगी आम को। तो काट के इसके लिए निकाली हूँ फ्रेंड्स कि इसका गुठली बहुत ज़्यादा कड़ा है, तो इस टाइप से सुविधा होगा करने में। और मुझे पूरा एक आम नहीं चाहिए, मैं आधा आम से ही बना के आपको दिखाऊंगी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप एक बार ऐसे करके बना के ट्राई ज़रूर करेंगे। तो देखिए मैं आम को ग्रेट कर ली हूँ, तो मैं आधा ही आम ली हूँ क्योंकि काफ़ी खट्टा है। तो इसे मैं ग्रेट करने के बाद बर्तन में ले ली हूँ जिसमें मैं बनाऊँगी। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं डालूँगी इसमें दो बड़े चम्मच चना का बेसन। आप चाहें तो दाल फुला के भी उसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं। तो मैं दो चम्मच इसमें बेसन डाली हूँ चना का, और एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर छोटा ही चम्मच से। आप रेसिपी के अनुसार सारे मसाले को डाल सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह से बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच, और एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ। और इस सभी को पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं। तो अब मैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स डालूंगी फ्रेंड्स, वो है अरबी का पत्ता। तो अभी बरसात में ये पत्ता काफी मिलता है, हर जगह मिल जाता है, बाज़ार से लेके और अपने खेत खलिहान तक ये पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अभी इनका सीज़न है, तो मैं अरबी पत्ते को लेके इसे अच्छे से साफ़ से धो ली हूँ। धोने के बाद इसे एक से दो घंटे के लिए पंखे के नीचे डाल दी हूँ जिससे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से बीच में जो डंठल कड़ा है उसे हटा देना है। और हटाने के बाद इसे एक जगह कर लीजिए, अब मैं इस पत्ते को एकदम बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा चटपटी। तो इस तरह से मैं सारे पत्ते को बारीक बारीक काट ले रही हूँ। और इसे फिर से वापस से चॉप करूँगी जिससे कि ये काफ़ी बारीक हो जाए। तो मैं अरबी पत्ते को काट के तैयार कर ली हूँ।
अब इसे मैं डाल दूंगी उसी बेसन के साथ, बारीक होना चाहिए। तो बेसन के साथ इसे अच्छे से पहले एक बार अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने से ये होता है कि पता चलता है कि कितना ये सामग्री है, तो उस अनुसार से इसमें नमक डालूँगी। तो पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यदि ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो आप एक से दो चम्मच इसमें पानी भी डाल सकते हैं। ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस एक से दो चम्मच पानी डाल के। अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी डाली हूँ। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अरबी का पत्ता कभी कभी गला में लगता भी है। तो आम के साथ बना रही हूँ, तो इस तरह से बनाने से सारे पत्ते में अच्छा से आम का खट्टापन जो है वो चला जाएगा, और ये टेस्टी बहुत अच्छी कुरकुरी पकौड़ी बनके तैयार होगी। और आपके पास आम का सुविधा नहीं है तो आप इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, एक नींबू निचोड़ के आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप इस टाइप से बनाएंगे, और आपके पास जो सामग्री है आप डाल के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ले ली हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में तेल को गर्म कर लूँगी। तो तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें छोटा छोटा सा पकौड़े बना लूँगी। इसे छोटा छोटा ही डालना है, जो अंदर तक अच्छे से पकेगा, क्रिस्पी होगा, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे पकौड़े। तो इस तरह से मैं सारे को डाल के और फ्राई कर लूँगी। अब एक तरफ हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे तरफ से इसे पलट ले रही हूँ। इसे ज़्यादा लो फ्लेम पर मत पकाइएगा, नहीं तो ये पत्ता है सारा तेल पी जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, फ्राई करना है। तो दोनों तरफ से अच्छे से ये तल चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ, और आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे आम अरबी के पकौड़े। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।